उमज्ञातिरांधनाशलाखया चक्षुरोन्मीलिम ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयं रूप कदाह दधाई स्वदा वंदेह श्रीगुर श्रीयुतापकमल श्रीगुरून्वैष्णवा श्रीपाघ्रत सह गणरघुनाथ सजीव नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्तिवेदात नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंदीअदाधर श्रीवाषादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओंकम करोति वाचालम पंगुलंगयतेमगिरि यदकि प्रातमहनमन्दे श्री गुरुधेन तारिनम परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है तो आज का टॉपिक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं किस प्रकार से अनेक देवी देवताओं के समक्ष भी हम श्री कृष्ण को किस प्रकार से भगवान स्थापित कर सकते हैं हम शास्त्रों के माध्यम से आज समझने का प्रयास करेंगे अभी अनेक शास्त्रों में अलग अलग देवी देवता को भी प्रधान बताया गया है और अलग अलग मनुष्य को यानी जीवात्माओं को भी प्रधान बताया गया है लेकिन कलयुग के जीवात्मा इतने मंद है कि उनको वेद पुराण ये सब समझ में नहीं आएगा इसके लिए भगवान ने अपने आप को भागवत के रूप में प्रकट किया तो आज हम भगवत भागवतम और श्रीमद् गीता के माध्यम से हम ये समझेंगे किस प्रकार से भगवान हाँ भगवान स्वयं कृष्ण हैं तो आज दूसरे अध्याय के पहले नंबर श्लोक और दूसरे नंबर श्लोक के आ, आ, माध्यम से हम ये समझेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हैं तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है एक प्यार आता है जिसमें कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कोहे भगवान परिपूर्ण अनुरुद्ध समान कहते हैं ब्रह्म मुख्य कोहे भगवान परिपूर्ण अनुरुद्ध समान ऐसा व्यक्ति जो समानश्वर्य परिपूर्ण है जिसके पास छह ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उन्हें भगवान कहा जाता है ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कोहे भगवान षडेश्वर्य परिपूर्ण परिपूर्ण शब्द का अर्थ है जैसे अब एक पानी के ग्लास में पानी भरते हैं तो अगर ग्लास मान लीजिए आधे लीटर का ग्लास है तो आधे लीटर का ग्लास उसका आधा लीटर जल भरना उसकी परिपूर्णता है उसी प्रकार जो षडेश्वर्य है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे उस षडेश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में जिसके पास है परिपूर्ण इन द सेंस कि उसमें और नहीं डाला जा सकता जिसमें और आगे नहीं हो सकता उसे परिपूर्ण कहा जाता है वो परिपूर्ण किस प्रकार से है वो षडेश्वर किस प्रकार से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण में उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे तो चैतन्य चरितमृत में भी भगवान के विषय में इस प्रकार से कहा गया है ना ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य कहते हैं कि शिव भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है ईश्वर का ईश्वर का अर्थ है नियंता यानी कंट्रोलर ईश्वर ही कंट्रोलर है और आर सब भृत्य और बाकी सब जो देवी देवता मनुष्य सब जो भी हैं वो सब वृत्त यानी दास है भगवान के है ना इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु अहम सर्वस्व प्रभु भगवान कहते हैं कि मैं सब में सबसे शक्तिशाली भैया ही हूँ है ना सबका प्रभु मैं हूँ अहम सर्वस्व प्रभु फिर देखिए इस संसार में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग गोल को निर्धारित करके अपने जीवन में उसके पीछे काम करते हैं जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको बी करना है उस प्रकार से जो भी तैयारी है उसको करनी है कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उस प्रकार से उसको तैयारी करनी है कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसको एल करना है इस प्रकार से सभी लोग कुछ ना कुछ गोल निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और ऐसे भगवान को जानने के लिए तीन प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं इसके लिए भागवतम में कहा कहते हैं वदंती तत्विदम विधस्तत्व यज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्म थी भगवान इति शब्द थे तो तीन प्रकार के लोग हैं जो तीन प्रकार से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं एक ब्रह्मेति परमात्म्यति और भगवान इति शब्द थे तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि तीन प्रकार के लोग भगवान को तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स में किस प्रकार से जानते हैं है ना तो आगे बताते हैं कि ब्रह्मवादी ब्रह्मेति यानी ऐसे लोग ब्रह्मवादी कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के हैं परमात्मावादी जो परमात्मा को सर्वे सर्वा मानते हैं और तीसरे हैं भक्त जो ब्रह्मवादी परमात्मावादी और भक्त है ना इति शब्द थे तो ब्रह्मवादी कौन है तो, तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सूर्य का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से एक सूर्य को तीन प्रकार के जो लोग हैं सूर्य को अलग अलग तरह से समझ तरीके से समझते हैं तो जो पहले प्रकार के लोग हैं जो ब्रह्मवादी हो सूर्य को किस प्रकार से देखते हैं वो देखते हैं कि जो किरणें सूर्य से निकल रही हैं हाँ वही उसको सर्वे सर्वा मानते हैं मतलब हाँ कि जो किरणें हम देख रहे हैं सूर्य की किरणें जो सुबह सुबह हम देखते हैं कि सूर्य बिना निकले सूर्य के प्रका प्रकाशित होने से पहले उनकी उसके किरणें जो हम देख सकते हैं आकाश में तो ये जो ब्रह्मवादी होते हैं उन किरणों को ही सब कुछ मान लेते हैं और उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो परमात्मावादी योगीजन होते हैं हाँ ये लोग थोड़े से अच्छे हैं जो भर भगवान के एटलीस्ट एक रूप होता है इस प्रकार से मानते हैं लेकिन जो ये जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं ये भगवान का रूप है इस चीज़ को नकार देते हैं वो कहते हैं कि निराकार हैं भगवान और उनका कहना है कि, कि जब भगवान इस भौतिक धरातल में आते हैं तो वो निराकार तो रहते हैं लेकिन इस भौतिक संसार में आने के लिए वो आकार आकार ग्रहण करते हैं तो इसके विषय में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे निंदा करेंगे वो कहेंगे कि मैं इस संसार में आके अव्यक्त हूं लेकिन इस संसार में आके व्यक्त रूप धारण करता हूँ आप लोग भगवत गीता के इसमें पढ़ेंगे अगर आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो तो भगवत भगवत गीता में बताया है कि किस प्रकार से ऐसे लोग हैं कि भगवान ने पांच सौ साढ़े पांच सौ पांच हजार वर्ष पहले ही बता दिए थे कि किस प्रकार से ऐसे लोग भी आएंगे जो भगवान को ऐसा किस किस प्रकार से कहेंगे

भ्रमण करता है तो भले ही वो सुअर के शरीर में हो कुत्ते के शरीर में हो मल के कीड़े के शरीर में भी क्यों ना हो वो उस जीवात्मा के साथ उस शरीर में भी निवास करते हैं तो ऐसे जो परमात्मा है योगी जन उनके ऊपर ध्यान करते हैं है ना तो जो, जो सूर्य के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जिस जिस प्रकार ब्रह्मवादी लोग हैं सूर्य की किरणों को सर्वे सर्वे मान लेते हैं उसी प्रकार ये जो परमात्मावादी है उस सूर्य जो डिस्क है जो सूर्य हम देखते हैं आकाश में सुबह सुबह हम देखेंगे हम सूर्य को सुबह सुबह जो देख सकते हैं हम आंखों से देख सकते हैं अगर सूर्य जो अपने तेज बारह बजे के सूर्य बारह बजे जिस प्रकार से सूर्य तेजमान होता है उस प्रकार हम सूर्य को नहीं देख सकते है ना अगर सूर्य को जिस प्रकार देखना है हमें तो वो सुबह सुबह या शाम को हम सूर्य को अच्छे से देख सकते हैं तो ये जो सूर्य हम देखते हैं डिस्क ये जो डिस्क को ही परमात्मावादी सर्वे सर्व मानते हैं वो कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है है ना वो कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में है तो हमें करने की क्या आवश्यकता है इस प्रकार से वो कहते हैं लेकिन अभी जो भक्त होते हैं वो इनसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं वो क्या करते हैं प्रोपा जी कहते हैं जो भक्त होते हैं वो सूर्य ग्रह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं अभी आप सोच सकते हैं कि सूर्य ग्रह के अंदर प्रवेश ये किस प्रकार से हो सकता है लेकिन जिस प्रकार से इस पृथ्वी पृथ्वी में जो मनुष्य है वो पांच धातुओं से जिनका शरीर बना है उसमें पृथ्वी जो है वो प्रधान है है ना? और उसी प्रकार जो सूर्य में जो लोग रहते हैं उनके भी शरीर जो है पंचभूत से ही बना है लेकिन उनके जो शरीर में अग्नि जो है वो प्रधान होती है है ना भूमि रपो नलवायु खम मनोर बुद्धि ये जो भगवान बताए हैं कि भूमिर अपन अलवायु खम ये जो पांच चीज़ें हैं उसमें से पृथ्वी जो है वो हमारे शरीर में प्रधान है लेकिन इसमें से जो अग्नि है वो सूर्य ग्रह में जो निवासी हैं उनके शरीर में अग्नि प्रधान इसके लिए वहाँ के लोग अग्नि प्रधान होते हुए वहाँ पर रह सकते हैं वहाँ पर भी लोग निवासी हैं चंद्र में भी निवासी हैं इस प्रकार से जो भक्त होता है वो सूर्य ग्रह में प्रवेश कर जाता है और जाकर वहां के जो राजा है विवस्वान जिसके विषय में भगवान ने चौथे अध्याय में बताया है पहले श्लोक में ही इम विपति योगम उस विवस्वान राजा से जाकर भी मिल लेते हैं हुँ? मिल सकते हैं तो ये भक्त हैं इसके लिए भक्त को क्यों भगवान सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं गीता में भी भगवान बता रहे हैं भक्त्यामाम अभी जान आती जो मेरी भक्ति करता है मेरे स्वरूप को मानता है वो मेरा भक्त है अदरवाइज और कोई मेरा भक्त नहीं है है ना इसके लिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्य मत माम नमस्कुरु अभी मन मना भव भक्तो अभी अगर हमें मन लगाना है तो किसी स्वरूप पे ही मन लगाएंगे ना ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जो बिना स्वरूप का बिना किसी रूप का किसी को आ, ध्यान लगा ले फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पत्नी है जो सती पतिव्रता पत्नी होती है वो अपने पति का ध्यान करती है हमेशा किस प्रकार से अपने पति को संतुष्ट कर सकती हूँ ना अगर मान लीजिए अगर उसके पति का आकार ही ना हो तो क्या वो पत्नी अपने पति के ऊपर ध्यान कर सकती है ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ है जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि हमें निराकार पर ध्यान लगाना है कोई व्यक्ति निराकार पर ध्यान कैसे लगा सकता है हुँ? कोई नहीं लगा सकता इसके लिए भगवत गीता को समझना एक भक्त होना इसके लिए बहुत आवश्यक है भगवत गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चौथे अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं कि कौन सी दो क्वालिफिकेशन है जो हमें भक्त बनने के लिए हाँ भगवान को भगवत गीता को समझने के लिए योग्य बनाती है सबसे पहला है उनका भक्त बनना दूसरा उनकी सख सक, उनका सखा बनना है ना ये दो क्वालिफिकेशन है जो हमें योग्य बनाती है भगवदगीता समझने के लिए है ना तो सबसे पहला भक्त बनना तो अर्जुन जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे अभी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महारित भी थे भीम थे नकुल सहदेव ये चार भाई क्या भक्त नहीं थे भगवान के बिल्कुल थे लेकिन अर्जुन को भगवान ने क्यों चुना क्योंकि अर्जुन जो था वो भगवान के शरणागत होने के लिए तैयार हो गया जब भगवान ने भगवदगीता के अठरवेद में कहा सर्वधर्मान परित्यज मामम शरण प्रजा अहम तमामी महासुचा भगवान ने जब भगवदगीता में कहा तो अर्जुन ने तुरंत हाँ इस चीज को स्वीकार कर लिया हुँ? अभी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से अयुदिष्ट महाराज भी तो भक्त थे उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया उसके विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसमें बहुत बड़े बड़े कौरव कौरवों के समक्ष कौरवों के साइड में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे हम्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य हम्म ये लोग बहुत बड़े बड़े योद्धा थे लोग महारथी थे एक साथ लाखों लोगों के साथ हाँ वो युद्ध कर सकते थे एक साथ तो द्रोणाचार्य को मारना असंभव था लेकिन उनको मारने के लिए केवल एक उपाय था वो क्या था वो उपाय वो उपाय था कि अश्वत्थामा की मृत्यु यशवत्थामा की मृत्यु से हाँ द्रोणाचार्य जो है वो इतने हतोत्साहित हो जाते कि वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते क्योंकि अपने बेटे से बहुत आ सकते थे अपने पुत्र से अश्वत्थामा तो जब ये चीज़ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा जब तक तो नहीं मरेगा तब तक द्रोणाचार्य को मारना असंभव है अर्जुन तो फिर भगवान ने कहा कि इसको किस प्रकार से मारा जाए तो भगवान ने एक तरकीब लगाई कि युधिष्ठिर महाराज को कहने से पहले उन्होंने भीम से यह कहा कि जाके द्रोणाचार्य से कहो कि अश्वत्थामा मर गया। अभी भीम जो थे वो जाकर कहे द्रोणाचार्य से कि हे द्रोणाचार्य हे आचार्य आपके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है लेकिन द्रोणाचार्य का जवाब जानते हैं क्या था उन्होंने कहा कि अगर वासुदेव स्वयं भी कह देना कि मेरा पुत्र मर गया है तब भी मैं उससे विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं तो मैं आप पे कैसे विश्वास कर लू तो इस प्रकार से वो द्रोणाचार्य जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे लेकिन श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर युधिष्ठिर महाराज कह दें कि अशरथ की मृत्यु हो गई है तो ये निश्चित रूप से मान लेंगे है ना तो जब उन्होंने कहा कि देखो युधिष्ठिर महाराज जाके द्रोणाचार्य को कहो कि अश्वत्थामा मर गया है लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने संकोच किया कि अरे मैं सत्यपरायण हूँ मेरे जीवन भर अपने जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला हाँ तो मैं आज कैसे झूठ बोल लू बल्कि अश्वत्थामा तो जीवित है मैं कैसे ना कर दूं मैं कैसे द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं मैं उनको जाके किस प्रकार से कह दूं कि आपके पुत्र जो मर गए हैं अब तो जीवित है वो आप जान के अचंबा होगा कि युधिष्ठिर महाराज का रथ जमीन से इतनी ऊंचाई से हवे में चलता था क्योंकि वो इतने धर्मराज कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज को है धर्मराज लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बात को नकार दिया अभी देखिए अभी जिस प्रकार से नकारा तो भगवान ने कहा कि जो ये तो ऐसे मानेंगे नहीं तो उन्होंने कहा कि भीम जाओ अशत थामा नाम का एक हाथी था बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली हाथी था अश्वथामा अश्वत्थामा नाम का तो भीम को आदेश दिया जा कि जाके अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु कर दो मार दो उसको तो भीम भी जाकर के अश्वथामा को मार देते हैं हाथी को अब भगवान कहते हैं कि जाकर कहो द्रोणाचार्य को कि अश्वथामा जो हाथी है वो मर गया है तो युधिष्ठिर महाराज कहें अच्छा ये बात तो सही है अशरथामा हाथी ही मरा है तो सत्य है तो जाकर के जाके युधिष्ठिर महाराज जाकर के द्रोणाचार्य तो तो को कहते हैं कि हे आचार्य हे द्रोण आपका तो जो ये जो हाथी है अशरथ नाम का हाथी वो मर गया अभी भगवान क्या करते हैं ये द्रोणाचार्य के पास जब युद्ध महाराज जाते हैं ये कहने के लिए कि अश्वत्थामा हाथी मर गया है तो अश्वत्थामा जब हाथी कहने जाते हैं उस समय वो इतना जोर से शोरगुल मचा देते हैं शंख बजा के इस प्रकार से तो वो जो हाथी जो है वो द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं पड़ता है अभी देखिए ये जो सुनाई नहीं पड़ा तो इतना हतोत्साहित हो गए और वो मतलब अर्जुन फिर उस समय उनको मारने के लिए सक्षम हो गया और उस समय अर्जुन ने उनको मृत्युदान मृत्यु प्रदान कर दिया अभी यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ हुई जो युधिष्ठिर महाराज का रथ क्या हुआ जमीन पर आ गया <laughs> मतलब उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया इसके लिए क्या हो गया धर्म ये नीचे आ गया रथ उनका नीचे आ गया भगवान भगवदगीता के चौथे अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन जो मैं कह रहा हूँ वही धर्म है <laughs> आप ये सोचने का प्रयास मत करो कि सही क्या है गलत क्या है वो आपका काम नहीं है भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है उसको पालन करना जीवात्मा का धर्म है हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि अरे भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे अभी कहाँ जवानी में तो हमें ऐश करनी चाहिए भौतिक संसार में जो सो कॉल्ड सुख है उसको भोग कर लेंगे उसके बाद हम गीता पढ़ेंगे बुढ़ापे में जब हमारी आंखें काम नहीं करेंगी हमारे जीव जीवा में टेस्ट नहीं आएगा श्रीमद भागवतम के बारह स्कंद में इतना तक हाँ यहाँ तक कि वर्णन है कि व्यक्ति के अंदर तो थूकने की भी शक्ति नहीं रहेगी बुढ़ापे में जब वो थूकेगा तो वो थूक उसके ऊपर गिर जाएगी <laughs> इस प्रकार से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है ना दिखेगा ना सुनाई देगा है हाँ ना? ना हम चल पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तब हम जाएंगे वृंदावन में बुढ़ापे में जाएंगे जब हमारी पचास साठ सत्तर साल की आयु हो जाएगी हम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए इक्कीस इक्कीस किलोमीटर की परिक्रमा हम बुढ़ापे में करेंगे जवानी में क्या जाने की जरूरत है है इस प्रकार के लोग आजकल सोचते हैं कि जवानी तो अभी ऐशो आराम की जिंदगी है शरीर का साथ दे रहा है तो ऐशो मस्त तो कर लो बुढ़ापे में देखा जाएगा खाना पचाने की शक्ति नहीं रहेगी तो हम जाएंगे मंदिर में प्रसाद खाने के लिए है तो इस प्रकार से जो युधिष्ठिर महाराज थे उनका रथ ऊपर से नीचे गिर गया क्यों क्योंकि क्यों भगवान के ऊपर उन्होंने हाँ उस प्रकार का विश्वास नहीं दिखाया इसके लिए भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान देने के लिए किसको चुना अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन जो थे भगवान को कहते हैं ना नष्ट मोह स्मृतिलब्ध हुआ हे भगवान आपके इस ज्ञान से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है अभी आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा तो ये जो भाव है जब तक भक्त इसको अपने हृदय में हृदयंगम नहीं कर लेता तब तक वह वो भक्त भगवद गीता समझने का योग्य पात्र नहीं बनता अब योग्य पात्र भगवद गीता का बनने समझने के लिए हमें ये भक्त जो भक्त जो टाइटल है उसको अपने जीवन में लाना होगा तो इसके लिए भगवान ने भक्त को सर्वोकृष्ट रखा है ना? भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं इसके लिए भगवत गीता में भगवान ने हर जगह कहे हैं कि किस प्रकार से आपको भक्ति करनी चाहिए अव्यविचारिण भक्ति है ना भक्ति में तेरे चौदह अध्याय में भगवान कहते हैं जहाँ पे तीन गुणों का वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि तीन गुण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं भगवान तो भगवान ने कहा कि जब तक कोई मेरी अव्यचारिणी भक्ति नहीं करता तब तक वो तीन गुणों से मुक्त नहीं हो सकता अवैचारिणी मतलब भक्ति मतलब व्यविचारी भक्ति और अव्यविचारी भक्ति व्यविचारी भक्ति इन द सेंस जैसे मान लीजिए आप व्यविचारी जो स्त्रियां होती हैं जिनको गणिका कहा जाता है वो गणिका क्या होती है कभी एक पुरुष से संबंध रखेगी कभी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखेंगे इस प्रकार से जो व्यविचारी होती है वो कभी सती नहीं बन सकती इसीलिए हमें व्यविचारी नहीं अव्यविचारी भक्ति करना है मतलब हमें केवल मात्र श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है कोई भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी है जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम तीन गुणों से रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये जो चक्र है इससे कभी नहीं बच सकते और ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के द्वारा ही जीवात्मा इस संसार में कंट्रोल्ड है अब ये जो समझने के लिए एक टॉपिक हो जाएगा तो अभी आगे देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान की षडैश्वर्य हैं जो भगवान को संसार के जीवात्मा से ना भगवान को अलग करता है षड तो ये सिक्स है इसको भगवान को भगवान के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है क्या क्या है भगवान सबसे धनी है भगवान सबसे सुंदर है भगवान सबसे शक्तिशाली है भगवान सबसे फेमस है और भगवान सबसे वैरागी हैं और सबसे ज्ञानी भी हैं तो छह प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं केवल भगवान में परिपूर्ण मात्रा में पाया जाता है अभी आप कहेंगे नहीं ऐसा तो हम बहुत दुनिया में भी कई सारे लोग को देखते हैं सलमान खान कितना सुंदर है कितना फेमस है कितना धनी है लेकिन हो सकता है कि उसमें छः में से तीन हो लेकिन छः के छः नहीं हैं है? वो हमेशा सुंदर नहीं रहेगा अभी बूढ़ा हो गया है ना वो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते भगवान हमेशा सोलह साल की उम्र के, के है, जैसे है सुंदर दिखते हैं अब भगवदगीता में जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई तो उनका उम्र था एक साल अभी 125 साल देखा जाए तो उनको दाढ़ी मुच्छी सब आ जानी चाहिए थी हैं सफ़ेद हो जाने चाहिए बाल लेकिन उनको कुछ नहीं उस वही वो एकदम घुघराले बाल भगवान के वही कमल जैसे प, कमल जैसे सुंदर आँखें वही घनश्याम रूप वही सुंदरता लेकिन संसार में सब कुछ टेम्प्रेरी है ये जो हम जो लोगों को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं हीरो हीरोइंस बड़े बड़े पोस्टर लगाना घर में हुँ? ये सब टेम्प्रेरी है और ये जो रोल मॉडल्स है अगर आप इनके जीवन में अच्छे से झाँकेंगे ना तो आप सोचेंगे इससे इससे गंदे संसार में कोई नहीं है उनका जीवन इतना गंदा होता है घटिया होता है आप लोग कभी समय मिले तो इनके जीवन में थोड़ा जाके झाके तब आप हम सबको समझ में आएगा कि जो हम रोल मॉडल रोल मॉडल जो बनाते हैं वो किस प्रकार से गंदे होते हैं उनके हृदय में कितना कलमश होता है लेकिन जो भक्त तो होते हैं उनको रोल मॉडल बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम, हम जीवात्मा का जो स्वरूप है कृष्ण जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास दास का स्वरूप हम प्राप्त करेंगे जिसके बाद जिसके बाद हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे लेकिन अगर हम इस टेम्पररी रोल मॉडल्स को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जन्म मृत्यु के चक्र को और बढ़ाते जाएंगे है ना तो सबसे धनी है भगवान अभी किस प्रकार से भगवान धनी है तो उस विषय में भगवान किस प्रकार की धनी है द्वारका में जब हम जाते हैं द्वारका में भगवान के सोलह हजार एक सौ आठ रानियां थी और ये सोलह हजार एक सौ आठ रानियों के अपने अपने सेपरेट सेपरेट महल भी थे और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग क्रीड़ाएं किया करते थे जैसे मान लीजिए किसी एक रानी के साथ वो अपने संतान के साथ खेल रहे हैं तो दूसरे रानी के साथ झूला झूल जुल रहे हैं या अलग अलग किसी प्रसाद खा रहे हैं तो अलग अलग कार्य करते थे अलग अलग रानियों के साथ जब ये चीज़ नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि भी अचंबा रहेगा कि अरे भगवान तो अलग अलग राम महलों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं ना फिर दूसरा है कि भगवान सुंदर हैं किस प्रकार से सुंदर हैं भगवान की आंखें जो है यहाँ से शुरू के कान तक जो हमारे कान है वहाँ से बड़ी बड़ी भगवान के कमल जैसे पंखुड़ियों का ऐसा सुंदर सुंदर आँखें हैं जिसके अंदर रेड रेड रेडिश शेड्स हैं और भगवान का जो स्वरूप है रंग है वो घनश्याम है जो बादल बारिश के में जो बादल हम देखते हैं बनता है उस प्रकार का रंग है भगवान का जिसको देख कर के बड़े बड़े हाँ जो गंधर्व हैं देवता हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं भगवान को भगवान की इतनी सुंदरता है फिर और जब एक एक बार ब्रज में क्या हुआ ब्रज में जब भगवान गौचारण करने के लिए जाया करते थे तो कई सारी गोपियां भगवान को देखने के लिए घर में कुछ बहाना दे करके बाहर आ जाती थी भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह जब जाया करते थे शाम को जब वापस आया करते थे तो एक गोपी भगवान को देखने के लिए बहुत लालयत हो रही थी लेकिन उसकी जो सास थी वो उसको बाहर छोड़ नहीं रही थी कि नहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है घर का काम करो इस प्रकार से लेकिन वो भगवान को देखने के लिए इतना मतलब उत्सुक थी कि भगवान तो सबके हृदय में है जैसे हमने चर्चा की तो भगवान समझ गए कि ये रही है, तो मेरा दर्शन लेना चाहती है तो भगवान बलदाव जी को बोलते हैं कि आप थोड़ा आगे जाइए मैं आता हूं इस प्रकार से वो जो गोपी थी उसके आंगन में जाके भगवान पेड़ के पीछे छुप जाते हैं अभी भगवान को देखने के लिए दर्शन लेने के लिए वो अपने सास को बहाना देके बाहर आंगन में झाड़ू मारने के लिए आती है लेकिन देखती भगवान तो है नहीं भगवान के शायद चले गए फिर अचानक से जो पीछे घूमती देखती भगवान पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं है ना तो वो द, भगवान का दर्शन करके इतना इतना खुश हो जाती है और बहुत मतलब बहुत, बहुत खुश हो जाती है भगवान को देख करके तो भगवान इस प्रकार से इतने सुंदर थे कि हर एक जीवात्मा उनको देखने के लिए लालायित होता था इतने सुंदर थे अब सुंदर हैं और दूसरे मोस्ट पावरफुल किस प्रकार से शक्तिशाली हैं उसके विषय में हम सुन सकते रोज ब्रज में भगवान अलग अलग राक्षसों को मारा करते थे कभी हाँ तृणावर्त आता था कभी पूतना आती थी कभी व्योमासुर कभी बकासुर कभी अघासुर ऐसे बड़े बड़े एकदम पराक्रमी राक्षसों को जिनको देवता भी डरते थे ऐसे राक्षसों को भगवान रोज मारते थे रोज और जो सखागण थे हमेशा हाँ सोचते थे कि आज भगवान किस राक्षस को मारेंगे देखेंगे तो जब वो लोग भगवान राक्षस को मारते थे तो उनके जो सारे मित्रगण थे सखा थे वो बड़ा आनंद लेते थे रोज उनके लिए एंटरटेनमेंट होता था कि भगवान राक्षसों को मार रहे हैं है ना तो इस प्रकार से भगवान बहुत शक्तिशाली भी हैं और चौथा है भगवान बहुत फेमस है अभी आप सोचिए किस प्रकार से भगवान फेमस है अभी भारत में देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो भगवान किसी कृष्ण को नहीं जानता है भले ही वो उनको भगवान है करके नहीं जानता है। लेकिन वो ये तो जानता है कि भगवान जो है मतलब कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत फेमस है जो हर एक व्यक्ति को पता है भले ही अलग अलग की क्रीड़ाओं के नाम से पता हो जिस प्रकार से जैसे माखन चोर हैं जो रास रचाते हैं इस प्रकार से भले गलत प्रस्पेक्टिव से हो या सही प्रस्पेक्टिव से किसी ना किसी तरह से लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा फेमस है आप सोच सकते हैं इन्हें हीरो हीरो जो है सेलिब्रिटीज भी तो फेमस है लेकिन कब तक फेमस है जब तक वो जीवित है तब तक फेमस है उसके बाद उनको कोई याद नहीं करता सब भूल जाते हैं लेकिन भगवान को कभी कोई नहीं भूलता है भगवान इतने फेमस हैं फिर आगे है रिनाउंसिएट वो बहुत बड़े त्यागी भी हैं किस प्रकार से त्यागी हैं तो उसके विषय में हम सुन सकते हैं कि जब यशोदा मैया नंद बाबा उनको कितना प्रेम करते थे भगवान को भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे उनको कहते थे कि जब आप गौचरण करने जाओगे तो आप चप्पल पहन के जाना नहीं तो आपके एकदम तो सुंदर सुंदर कोमल कोमल चरणों में हाँ क्या होगा कांटे चुप जाएंगे हुँ? तो भगवान कहते थे कि नहीं अगर मुझे चप्पल पहनाओगे तो सारे गायों को भी पिनाओ बछड़ों को भी पिनाओ अभी बछड़ों को गायों को चप्पल पिनाना जाए तो नौ लाख गायों को चप्पल पहनाना मतलब अब उनका मल्टीप्लाई कर दो जो फोर्स है तो कितना हो जाएगा तो उतना चप्पल भगवान को पहनाना पड़ेगा गायों को लेकिन इसके लिए भगवान से बहुत प्रेम करते थे यशोदा मैया लेकिन ऐसे यशोदा मैया गोपियों राधा रानी ऐसे लोगों को भी इतने जो प्रेम करते थे उनको भी भगवान ब्रज में छोड़ के चले गए मथुरा तो इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है तो ये भगवान जो त्यागी हैं उसका एक एग्जाम्पल है फिर भगवान मोस्ट नॉलेजेबल है भगवान सबसे ज्ञानी भी हैं भगवान किस प्रकार से ज्ञानी है उसके विषय हम सुनते हैं कि भगवान अभी भगवान ने भगवान वेदे, वेदे वेद वेदेश से सर्वे अहमे वेद्य भगवान के शरीर भगवान के शरीर से ही भगवान के अंदर से ही सारा वेद प्रकट हुआ है अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने साइट सरने में टाइटल में लगाते हैं त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी हैं इस प्रकार से लोग बोलते तो हैं लेकिन उनको वेद का कुछ भी नहीं समझ में आता ना कुछ आता है तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने बड़ी बखान तो करते हैं लेकिन उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता लेकिन भगवान इतना सुंदर भगवत गीता का ज्ञान दिया अब ये जो भगवत गीता है जैसे कलयुग के लोगों के लिए है जिनको मंद बुद्धि जिनकी है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधिरता ऐसे लोगों के लिए भगवान ने गीता दी है ये गीता जो है बहुत मतलब बहुत सरल सा ज्ञान है जिसको पहले के लोग ऐसे समझ जाते थे प्रपा जी कहते हैं ये जो भगवत गीता है ये स्पिरिचुअल लाइफ में एबीसीडी है स्पिरिचुअल लाइफ की भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताई है यथा देह कौमारम जरा किस प्रकार से शरीर नहीं आत्मा है ये पूरा दूसरे अध्याय में भगवान ने इस चीज को ही बताया है तो भगवान इस प्रकार से पूरे पूर्ण ज्ञानी हैं हमेशा भगवान ज्ञान में ज्ञानमय है तो ये छह चीजें हैं ये भगवान के अंदर हैं कोई सामान्य जीवात्मा के अंदर ये छह चीजें नहीं होती तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान है अभी और चीज़ हम अच्छे से समझ सकते हैं कि भगवान को और क्यों भगवान समझ जा समझाया जा सकता है भगवान को एक और एक नाम है भगवान का असम ये भगवान का नाम है असम ऊर्धव इसका अर्थ है सम याने इक्वल ऊर्धव याने उनसे ऊपर तो रूपा जी कहते हैं नो बडी इज इक्वल टू हिम नो बडी इज हायर देन हिम एंड एवरीवन इज लोअर दैट इज द मीनिंग ऑफ भगवान 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 का अर्थ बताते हैं कौन प्रभुपाद कहते हैं कि उनसे ना कोई ऊपर है ना उनके ना कोई समान है सॉरी उनसे का उनसे ना कोई ऊपर है उनके ना कोई समान है सब लोग उनके नीचे हैं इसके लिए असम ऊर्ध्व यानी नहीं सम यानी इक्वल ऊर्ध्व यानी ऊपर है ना तो ये जो असम उर्ध्व है ये सिर्फ भगवान को ही दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता असम ऊर्ध्व भगवान का एक नाम है तो जीवात्मा क्यों नहीं ये भगवान को समझ सकता या भगवान जीवात्मा के अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाता तो वो प्रभुपा जी चार कमियों के विषय में बताते हैं सबसे पहला क्या है वो हमेशा गलतियां करता है कमिट मिस्टेक्स इल्यूजेंड इम्परफेक्ट सेंसेस और चीट एंड चीट चीटेड ये जो चार जो कमियाँ हैं ये सारे जीवात्मा के संसार में होती हैं अगर जो शुद्ध भक्त है उनके लिए उसमें तो नहीं हो सकती और न भगवान ये दो लोगों के अंदर ये कमियां नहीं है बाकी जो चार चाहिए कमियां हैं जीवात्मा के अंदर पाई जाती है है ना तो कमिट मिस्टेक्स अभी किस प्रकार से जीवात्मा गलतियां करता है अभी इसके विषय में हम सुन सकते हैं कि किस प्रकार से गलतियां करते हैं जीवात्मा हर, हर समय हर समय गलतियां करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं कभी गलती नहीं किया हूँ हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ गलतियाँ करता ही है भले उसको छुपाने के लिए और गलतियाँ कर और उसको छुपाने के लिए और मेहनत करते हैं लेकिन गलती हर व्यक्ति करता है इसलिए कहते हैं ना कि आपने इतना किसी ने पूछा कि आप इतने बिजनेस में कैसे आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा कि गलती करके है ना उनको गलती करके एक्सपीरियंस हुआ कि किस प्रकार से मैंने यही चीज़ को हासिल किया तो गलती हर व्यक्ति करता है लेकिन भगवान के अंदर एक गलती नहीं है भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरी बात मान लो भले वो अधर्म है धर्म उसका आपको कोई लेना देना नहीं है लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने नहीं किया इसलिए उनका रथ अभी जमीन पर ज़मीन पर टच हो गया जो जीवन भर उनका जमीन पे जमीन से ऊपर हवे में रथ चला करता था जीवात्मा मिस्टेक करते हैं लेकिन भगवान कभी मिस्टेक नहीं करते और दूसरा है इल्यूजन कैसे भ्रम भ्रम इल्यूजन मतलब भ्रम जीवात्मा किस प्रकार से भ्रम में आ जाता है भ्रम यानी मोह है मोह यानी ऐसी चीज़ के प्रति आसक्ति जो टेम्प्रेरी है हुँ? इस संसार में आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक टेम्प्रेरी वस्तु के पीछे बहुत आ सकते हैं और सबसे बड़ा एग्जांपल है शरीर इस शरीर निश्चित रूप से एक टेम्पररी चीज है हां? जो कुछ साल बाद पचास साठ सत्तर साल बाद विनष्ट हो जाएगा लेकिन जीवात्मा जो है वो माया के मोह में आकर के माया के वश में आकर के इस टेम्पररी चीज से आसक्त हो जाता है और इस टेम्पररी शरीर से जो चीज जो चीज़ें शरीर से रिलेटेड हैं उन सारी चीजों से भी आसक्त हो जाता है जैसे घर परिवार हां, गाड़ी इस प्रकार से जो टेम्पररी छोटी मोटी चीजें हैं उन चीज से आसक्त हो जाता है वो कहता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी कहीं लग जाए ठुक जाए तो उसको बहुत दुख होता है पर जब तो उनसे पूछा जाए भाई गाड़ी ठुकी आपको तो चोट नहीं लगी है तो बोलता नहीं ये मेरी गाड़ी है मतलब वो, वो गाड़ी को अपने से मान रहा है मतलब गाड़ी से इतना अटैच है कि गाड़ी गाड़ी को चोट लगी गाड़ी का जो हैडलाइट तो फूटा है लेकिन उसके उसके शरीर में कोई हानि नहीं हुई है फिर भी वो उसको बहुत दुख होता है क्योंकि इतना आसक्त था उस शरीर से अभी भले वो दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं वो बस में जा रहा है मान लीजिए अगर बस ठुक जाए तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा अपना उतर के दूसरे बस में चले जाएगा क्यों क्योंकि उससे उसकी आसक्ति नहीं है लेकिन जब जीवात्मा आसक्त हो जाता है तब वो मोह में गिर जाता है और फिर वो लेमेंटेशन करता है बहुत दुख वो करता है कि अरे मेरी गाड़ी ठुक गई मेरा ये हो गया मेरा नुकसान हो गया ये हो गया लेकिन आप उनसे पूछेंगे आप गाड़ी तो हो ही नहीं ना आप तो गाड़ी हो ही नहीं तो आपको दुख क्यों हो रहा है आसक्ति ये कारण है उसके दुख का है तो ये मोह है जीवात्मा मोह में फंस जाता अभी तीसरा क्या है इम्परफेक्ट सेंसेस किस प्रकार से जीवात्मा के सेंसेस इम्परफेक्ट है तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं किस प्रकार से जीवात्मा के सेंसेस इम्परफेक्ट है है न जीवात्मा को इन्वेंशन करता है तो उसमें जब गलतियाँ होती है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं हाँ मे बी हम फ्यूचर में इसको प्राप्त कर लेंगे तो प्रोपाज एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपके आपके सेंसेस सेम्परफेक्ट है हम दीवार के मान लीजिए घर में दीवार है दीवार के उस पार क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारे सेंसेस से इम्परफेक्ट है हु? अगर मान लीजिए हमारे रूम में अंधेरा हो जाए तो हम अपने शरीर को भी नहीं देख सकते तो हम कैसे हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हो जाएंगे जब तक हमें सूर्य की रोशनी ना मिले तब तक हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते है ना इसके लिए हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं इस संस इंद्रियों के द्वारा कार्य किया गया किया गया कार्य हर चीज इम्परफेक्ट है उसमें कहीं परफेक्शन नहीं आएगा अगर हम अगर सेवा नहीं करते हैं तो बाकी हमेशा इसमें इम्परफेक्शन ही है आप देख सकते हैं और चौथा है चीट एंड चीटेड इस संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है ना जैसे अभी जो है एन्वायरमेंट जो माहौल चल रहा है अभी कोरोना का इसमें कोविड में देखिए अभी जो मैंने सुना है कि वैक्सीन आया है जिसमें वैक्सीन का यूज़ करने से हमारा पूरा डी एन ए चेंज हो जाएगा डी एन ए चेंज हो जाएगा मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व ही बदल जाएगा देखिए किस प्रकार से लोग धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरे को, एक को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं फिर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब बॉस के पास जब एक एम्प्लॉय काम करने जाता है है ना तो उसको किस प्रकार से एम्प्लॉय को एक्सप्लोइट करता है जो बॉस होता है एक्सप्लॉयट बहुत एक्सप्लॉयट करता है सत्रह सत्रह घंटा सोलह सोलह घंटे काम कराते हैं लोगों से तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लाइट कर रहा है धोखा तो ये जो चार चीजें हैं ये है। गलतियां करते हैं, वो मोह में गिर जाते हैं उनकी इंद्रिया अपूर्ण है और तीसरा चौथा क्या है वो धोखा खाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं तो जैसे हमने चर्चा की कि अगर व्यक्ति को गीता समझनी है अगर ये जानना है कि भगवान श्री कृष्ण ही ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और वही भगवान हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण तो ये चीज़ को जानने के लिए भगवान ने भगवत गीता में उसकी योग्यता बताई जिस प्रकार से हमने चर्चा की सबसे पहला उनका भक्त बनना दूसरा उनका सखा बनना तो ये जो दो योग्यताएं हैं हमें भक्ति में भगवद गीता समझने के लिए बहुत सहायक होती हैं और भगवान ने भी ये दो ही क्वालिफिकेशन बताई है तो अगर आप लोग भगवदगीता समझना चाहते हैं और उसको अपने जीवन में डालना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से दो चीज़ें तो लास्ट लाइफ में डालनी पड़े ही पड़ेगी ठीक है हरे कृष्णा चले प्रभुपाद की जय